बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी के रिलीज के वक्त क्या क्या कांड हुआ है और आखिर क्यों ये मूवी लोगों को पसंद नहीं आ रही है, साथ ही में इस मूवी का जो पेड प्रमोशन हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस मूवी का रिव्यू पहले ही कर दिया है, जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब इस मूवी के कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। देखो, एक जो इस मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी इस मूवी के कास्ट। सच बता रहा हूँ, इस मूवी के कास्ट जरा सभी अच्छे नहीं है। हाँ, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार मूवी के लिए अच्छे थे, लेकिन उनके अलावा जितने भी एक्टर को कास्ट किया गया है इस मूवी में एक्सेप्ट रोनित रॉय, उन सभी ने अपना काम को एकदम लूल तरह से किया है, क्योंकि उन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इस मूवी की जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी इस मूवी की स्टोरी। क्योंकि देखो, फर्स्ट हाफ में टाइटल ट्रैक से पहले जितनी भी स्टोरी दिखाई जाती है वो काफी अच्छा लगता है देखने में, लेकिन मूवी के टाइटल आने के बाद से जो मूवी की स्टोरी है ना वो एकदम डीप हो जाती है, जिस वजह से इंटरवल के बाद से आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई ये मूवी कितनी अधिक लंबी है और आप मूवी देखते देखते एकदम थक जाते हो। इसके अलावा मूवी की जो स्टोरी है ना वो बिल्कुल ही अजीब टाइप की है। मतलब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और सरकार उसको मना कर देती है, तो उसको मना करने के लिए सरकार 15 साल वेट करती है ताकि वो बंदा पूरा प्रोजेक्ट को बनाए, उसके बाद वो उसको रिजेक्ट कर सके। यार ये तो कुछ भी है ना, मतलब सिंपली पृथ्वीराज के कैरेक्टर को ऐसे भी कहा जा सकता था कि कंट्रोल वाला फीचर को हटा दो बस, तो मामला तो एकदम शॉर्ट हो जाता। इसके अलावा मूवी में कई सारे ऐसे सीन है जो कि आपको काफी ज्यादा क्रिंज लगेंगे देखने में, जिसमें मुझे सबसे बड़ा क्रिंज सीन तो वो लगा जहाँ पर पृथ्वीराज का कैरेक्टर मर जाता है, मतलब उसका क्लोन मर जाता है, और वहाँ पर जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर को दिखाया गया है वो भाई एकदम ही बकवास था, और वो वाला तो एकदम ही अजीब था जहाँ पर पृथ्वीराज का कैरेक्टर बोलता है और उसका क्लोन उसको कॉपी करता है। इस सीन को देखकर मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे ये मूवी नहीं देखना है अब, और अगर मैंने इस मूवी के ऊपर पैसे खर्च नहीं किए होते ना तो मैं वहाँ पर से उठ के वापस आ जाता अपने घर, लेकिन मजबूरी में मुझे ये मूवी पूरा देखना पड़ा। साथ ही में मूवी में जो टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर था वो क्या ही जोक मार रहा था, मतलब यार इससे अच्छा जोक तो मैं लिख सकता हूँ इस मूवी के लिए। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि हर मूवी में टाइगर श्रॉफ का जो कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल सेम ही क्यों होता है। भाई वो बंदा आर्मी में है लेकिन वो टपोरी लैंग्वेज यूज कर रहा है। इसके अलावा आर्मी के लोग काफी डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो डिसिप्लिन का डी भी नहीं था। इसके अलावा ये टाइगर श्रॉफ की तीसरी मूवी होगी जिसमें उन्होंने डबल रोल कैरेक्टर प्ले किया है। पहला तो है अपना वॉर मूवी, दूसरी है गणपत मूवी, और तीसरी ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, जिसको मैं बड़ा हेडक और छोटा हेडक कहना पसंद करूंगा। इसके अलावा इस मूवी का जो सबसे फनी जोक था वो पता है क्या था, कि अक्षय कुमार रोनित रॉय को कह रहा है बुढ़ा। भाई लिटरली मूवी में देख ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही एज के हैं, इसलिए ये वाला जोक तो नहीं माना चाहिए था मूवी में। अब देखो, क्योंकि ये मूवी एक एक्शन मूवी थी तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें हमें एक्शन के मामले में कुछ नया चीज देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें जवान और पठान मूवी में देखने को मिला था, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिला। और इस मूवी का एक्शन बिल्कुल ही वैसा था जैसा कि बाकी किसी और बॉलीवुड मूवी का होता है, इसलिए आप इस मूवी को एक्शन के मामले में तो याद बिल्कुल भी नहीं रखोगे। अब बात करते हैं इस मूवी के पेड पीआर के बारे में, या फिर मैं कहूँ कि पेड रिव्यू के बारे में। देखो, इस मूवी का प्रमोशन जो है ना वो बहुत ही जोरों शोरों से हुआ है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने इस मूवी का प्रमोशन के लिए अपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था, मतलब वो यूट्यूबरों के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, रीलर्स के साथ जाकर रील बना रहे हैं, और इनफैक्ट अक्षय कुमार ने तो मीडिया में जाकर ये भी कह दिया कि अभी तक की सबसे बेस्ट एक्शन मूवी है। लेकिन किसी के कुछ भी कहने में टैक्स नहीं लगता है, इसीलिए कोई भी कुछ भी कहता है। साथ ही में सारे बॉलीवुड ने इस मूवी का तारीफ किया है कि ये मूवी बहुत अच्छी है, और इस मूवी के लिए लोगों को ये कहा है कि आप लोग इस मूवी को देखने के लिए जाओ। अब लोग इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं वो तो वक्त बताएगा, जब इस मूवी के बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा हमें। लेकिन हाँ, ये मूवी एक अच्छी मूवी नहीं है, इसको सुनकर मुझे काफी निराशा हुई है, क्योंकि यार देखो, मैं दिल से चाह रहा था कि ये मूवी अच्छी निकले और इस मूवी से अक्षय कुमार अपना कमबैक कर ले, लेकिन शायद अब इस मूवी से उनका कमबैक नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार की अभी और 6 फिल्में आने बाकी है, किसी न किसी में तो अपना कमबैक कर ही लेंगे। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि बड़े मियां छोटे मियां मूवी जो है ना उसको आज से 10 साल पहले आना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त इस मूवी को लोग काफी पसंद करते, लेकिन अभी के टाइम पर हमने ऐसी ऐसी एक्शन मूवी देख ली है ना जिस वजह से ये मूवी हमें फीकी लगने लगती है, और यही रीजन है कि इस मूवी का नेगेटिव रिव्यू हमें सुनने को मिल रहा है। बाकी आप बताओ, अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो आपको ये मूवी कैसी लगी, और आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार अपना कमबैक किस मूवी से करने वाले हैं। इसके अलावा आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।